हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई नो आफ्टर सो लॉन्ग मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। आज व्लॉग बहुत बहुत टाइम हो गया है और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बता ही दूँ कि मैं इतनी लेट वीडियोस क्यों बना रही हूँ और क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा लाइफ अपडेट दे दूँ। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे हो गए, पहली बात। दूसरी बात, मेरा लाइफ अपडेट अभी ये चल रहा है कि मैं इसलिए बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी कुछ कामों में। फर्स्टली मैंने अपनी जॉब चेंज करी है, तो नाउ आई एम वर्किंग एज एन HR कोऑर्डिनेटर, जो मेरी स्ट्रीम की जॉब थी। सारे लोग पूछते हैं ना कि जो पढ़ाई करने जाते हो उसमें जॉब मिल जाती है कनाडा में, तो मुझे लगे 2 साल। तो इट्स नॉट एन ईजी गेम और इट वॉजेंट अ केक वॉक, इट वॉज टफ। मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लेकर उसके बाद जॉब्स अप्लाई करना शुरू किया एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैं HR में फाइनली मैंने एंट्री ले ली है। तो ऑफकोर्स डिफ़िकल्ट था, इंटरव्यूज़ थोड़े टफ होते हैं। वो पूछते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो HR का एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे हम आपको क्यों हायर करें। तो यू जस्ट हैव टू कनेक्ट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। जैसे मैं पहले मैनेजर थी, तो मैं उसमें कुछ कुछ HR के काम करती थी। ऑफकोर्स मैनेजर करता है बिकॉज यू अल्टीमेटली यू हैव टू मैनेज पीपल, राइट? तो उस बेसिस पे मेरे को ये जॉब मिली। और फर्स्ट अपडेट तो ये जॉब वाली थी। सेकेंड अपडेट थी कि इट वॉजेंट इन कैमलूप्स, मैं अब मूव हो गई हूँ वर्नन में। तो ये सब हो रहा था लास्ट 1 or 2 months से और मैं बहुत ज़्यादा भला इधर उधर इधर उधर जगल कर रही थी, मूविंग एंड न्यू जॉब, न्यू सिटी, न्यू एक्सप्लोर करना, सारी चीज़ें नई है। और दोबारा से मैं मतलब कैमलूप्स में, मैं कनाडा जब मैं कनाडा में आते ही मेरी फर्स्ट सिटी ऑफकोर्स कैमलूप्स थी। सो इट वॉज़ लाइक अ होम टू मी, पीपल, ऑल द पीपल वर लाइक होम टू मी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उधर। तो थोड़ा टफ था और अब मैं वर्नन में हूँ। पर वर्नन आपको पता ही होगा, वर्नन का मैं पहले भी एक ब्लॉग डाल चुकी हूँ। तो वर्नन कैमलूप से अबाउट 1.5 hours दूर है, 1.5 hours की ड्राइव है। तो वीकेंड्स पे मैं चली जाती हूँ अपने फ्रेंड्स से मिलने, अगर मैं बोर हो रही तो सैटरडे संडे। बहुत बार जस्ट मैं मूव हुई हूँ, मैं 4 बार कैमलूप्स जा चुकी हूँ। तो 2 महीने में 4 बार तो मैं जा चुकी हूँ, तो इट्स नॉट वेरी फार। तो इसलिए मैं मूव हुई और यहाँ पे अब सब कुछ नया समझना पड़ रहा है। थोड़ा रूटीन चेंज हो गया है, मेरी जॉब टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं। बहुत बिजी टाइम, मतलब बहुत बिजी रूटीन हो गया है मेरा इस न्यू जॉब से। तो मैं अभी जिम आई थी, थोड़ा अपने आप को दोबारा से मेंटेन करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ जिम। और अभी 7:30 हुए हैं और आप ज़रा धूप देख लो कितनी तेज़ है, आँखें नहीं खुल रही मेरी, बहुत तेज़ धूप है। अब यहाँ पे लेट सनसेट होने लग गया है अराउंड 8:30। सबसे अच्छी बात यही है और समर डेज़ में बस यही खुशी रहती है कि लेट सनसेट हो रहा है, वाओ। जिम दिखाती हूँ मैं आपको, प्लैनेट फिटनेस, सबसे सस्ता जिम है ये कनाडा का। $15 per month, दैट्स इट, सिंगल बंदे का। देखो प्लैनेट फिटनेस, इनका ये पर्पल सा लोगो होता है हमेशा। और वर्नन में ये ब्रांड न्यू खुला है, कैमलूप्स में भी था, मैं वहाँ जाती थी। यहाँ वर्नन में ब्रांड न्यू खुला है, तो मैंने यहाँ पे वहाँ की मेंबरशिप यहाँ ट्रांसफ़र करा ली और मैं यहाँ जा सकती हूँ। इट्स गुड, ठीक है, बहुत सस्ता है, ज़्यादा इतनी अंदर अच्छी अच्छी मशीन इतनी नहीं है, बट स्टिल तुम्हें बेसिक कार्डियो, बेसिक वर्कआउट करना होता है तो सब कुछ है। और ये देखो सन, इतनी तेज़ धूप शाम को 7:30। और यहाँ पर ये एक गैस स्टेशन है और बस वहाँ पे मेन रोड है। तो मैं भी अभी धीरे धीरे समझ रही हूँ इस टाउन को। और छोटा सा टाउन है, कैमलूप से छोटा ही है। आई थिंक कैमलूप्स की अगर 1 lakh पॉपुलेशन है तो यहाँ की होगी 60-70,000। ऑल दो यहाँ का एक PR इमिग्रेशन प्रोग्राम है, काफ़ी फेमस है, RNIP बोलते हैं उसको। और उसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं नीचे एक लिंक डाल दूँगी वेबसाइट की, वहाँ पे सब कुछ लिखा है कि कैसे आप उस प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे PR हो सकते हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मूव हुए हैं उस वजह से, मैं उस वजह से नहीं हुई थी, मैं तो जॉब की वजह से हुई थी। तो बट अगर मेरा कुछ भी नहीं PR होता, जैसे कि हाल चल रहे हैं PR के, ओ माय गॉड, आई एम सो स्ट्रेस्ड अबाउट इट, सारे स्ट्रेस्ड हैं इस वक्त, सबका वर्क परमिट एंड हो रहा है, PR का कुछ पता नहीं, एंड कनाडा हैज़ मेड इट सो डिफ़िकल्ट नाउ। तो उसकी फ्रस्ट्रेशन अलग थी गाइज, इसलिए भी ब्लॉग नहीं आ रहा था। हाँ, कुछ नहीं होता PR का, तो मे बी आई विल टेक दैट राउट, बट इट्स नॉट ईजी बिकॉज योर एम्प्लॉयर हैज़ टू सपोर्ट यू और योर कम्युनिटी, लाइक द वर्नन कम्युनिटी हैज़ टू सपोर्ट यू, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। इस सब के बीच में थर्ड अपडेट कि मैं 10 days के लिए इंडिया गई थी, उसका मैंने ब्लॉग बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि मैं 10 days इंडिया में थी और मैं 10 के 10 दिन बीमार थी।
और मैं 10 के 10 दिन बीमार थी। इंडिया में मेरे घर में शादी थी, मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मेरे को और डेट बहुत जल्दी जल्दी सेट हुई, तो मुझे दोबारा जाना पड़ा फटाफट। मैं 10 डेज़ के लिए गई थी और मैंने ऐसा किया और मैं छुट्टी लेके ही गई थी। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा मिन्नतें मार के अपने मैनेजर से बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा किया मैंने कि वहाँ पर वेडिंग्स ऐसी होती है वैसी होती है, इट्स अ बिग डील और बहुत इमोशनल हूँ मैं, मेरी इकलौती सिस्टर है, वो बहुत कुछ मैंने उसको बोला तो जाने दिया। तो इंडिया गई थी तो वहाँ पर इतनी दिक्कत हो गई थी, मेरा गला एकदम चोक हो गया था, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, गला दर्द, फीवर, शादी पर भी मैं फीवर में थी और जो कह रहा था कि ये वापस कब आएगा स्टेयरिंग का कवर, एक किसी का कमेंट आया था कि ये स्टेयरिंग कवर वापस, आपका स्टेयरिंग कवर कहाँ गया, तो मैंने लिखा था कि वो वॉश हो रहा है, मतलब वॉश होने मैंने उसको रखा हुआ है, तो वॉश हो गया है ये और मैंने दोबारा से चढ़ा लिया, तो फॉर यू मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ। ओके हाँ, तो इंडिया में बहुत बुरा हाल हो गया था, मतलब फीवर, मेरा गला एकदम चोक, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, पूरे शादी के फंक्शंस में मेरा गला चोक था, गला दर्द था, कनाडा आने के 2 हफ्ते बाद तक भी गला दर्द था, बहुत ही गंदा फ्लू हो गया था मेरे को उधर, तो सेम मेरी सिस्टर को भी हुआ हुआ था और घर में सभी को हुआ हुआ था, तो कुछ तो चल रहा था वहाँ पे उस टाइम पे क्योंकि हर कोई बीमार था। वापस आके भी बहुत मुश्किल से ही मैं ठीक हुई हूँ, यहाँ की मेरे को ज़्यादा दवाइयाँ भी सूट नहीं करी, वहाँ जो मैं इंडिया से लेकर आई थी दवाई वो भी ख़त्म हो गई थी, इधर मैं तब भी ठीक नहीं हुई, तो काफ़ी टाइम लगा बट हो गया सब अच्छे से और अब नहीं सूट करता इंडिया का वेदर मेरे को, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं करता होगा जो कनाडा रहते हैं, बिकॉज योर बॉडी गेट्स यूज टू दिस क्लीन एनवायरनमेंट और वहाँ पर इतना धुआं पोल्यूशन एंड खाना पीना सारा ऐसा ही, बट तबीयत खराब ही होती है, मैं तो जब जब जाती हूँ तब तक मेरी तबीयत खराब होती है, सो इट्स ओके। तो ये 3 चीज़ें चल रही थी बहुत बड़ी, तो इसलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे थे और मैं बहुत लेट हो रही थी। 4th चीज़ आप कह रहे होगे क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में इतना, तो नेक्स्ट चीज़ ये थी कि मेरा जो वर्क परमिट था वो एक्सपायर हो रहा था, और क्योंकि मुझे 2 ही साल का मिला था, मेरा पासपोर्ट एक्सपायरी के जितना मिला था, तो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था 2024 में, तो उतना ही मेरा वर्क परमिट था, तो मैंने न्यू वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ था एंड क्योंकि आई एम एलिजिबल फॉर 3 ईयर वर्क परमिट क्योंकि मैंने 2 ईयर्स की स्टडी करी है इधर, तो पर मुझे 2 ही साल मिले तो मैंने 1 और साल के लिए अप्लाई किया था, विच इज़ माई राइट एंड दे कांट रिफ्यूज़ इट, तो मैंने वो अप्लाई किया तो फाइनली वो भी आ गया, तो 1 और साल अब मेरे पास है PR लेने के लिए या फिर वापस इंडिया जाने के लिए, इंडिया या कनाडा, बट इतनी जल्दी हार तो नहीं मानेंगे, आई थिंक कोई भी नहीं मान रहा, कुछ ना कुछ रास्ते तरीके होते ही हैं, भगवान निकालता है, और अगर आपका लिखा था इंडिया से कनाडा आना तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा अच्छा, और बस जिनकी नहीं हो रही PR क्या पता मेरी भी ना हो, मतलब यू नेवर नो, बट अपनी एफर्ट्स पूरे करो जहाँ से भी मिलती है, इस वक्त PR लिटरली ले लो, चाहे LMIA चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, फॉर नाउ आई मीन इट्स वेरी टफ, सो मेनी पीपल आर गोइंग बैक टू इंडिया और उसमें से एक दो मेरे भी फ्रेंड्स हैं, बट ठीक है, सबका आई थिंक इट्स जस्ट लक, हमसे जो पहले आए थे वो कब के PR होके सिटीजन होके बैठे हैं और हम अभी तक PR नहीं हुए हैं, तो इट्स ओके, मे बी हमारी किस्मत में ये था, बट ठीक है, कुछ ना कुछ आई थिंक गवर्नमेंट निकालेगी, प्रोग्राम्स अभी हैं बहुत सारे जो अभी भी हमें हेल्प कर सकते हैं, कुछ गुड न्यूज़ तो आएगी, तो बाकी बस ये सारी चीज़ें चल रही थी, इंडिया, न्यू जॉब, न्यू सिटी, माई वर्क परमिट एंड बस अब मैं यहाँ पे धीरे 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 सेटल हो रही हूँ और अब मैं और जल्दी जल्दी व्लॉग्स बनाना शुरू करूँगी, अब समर्स आ गई हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, एंड दिस इज़ ओकनागन एरिया BC में और काफ़ी गर्मी भी होनी शुरू हो गई है, लेक्स में दोबारा जाना शुरू करेंगे, पानी में स्विमिंग करना शुरू करेंगे एंड आई एम एक्साइटेड। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मेरे लिए, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पर लिख दो और मैं उसका रिप्लाई करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग और मेरे को भी ऑल द बेस्ट बोल देना, गुड लक बोल देना, क्योंकि मैं एक नई लाइफ में ऑल द बेस्ट गुड लक बोल देना क्योंकि मैंने भी एक न्यू ट्रांजिशन लिया लाइफ की, राइट, सो आई नीड योर ब्लेसिंग्स एंड योर गुड लक। तो चलो चलते हैं घर, हो गया जिम, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।